तो गाइस जाली मुड़ाई के बाद ये मुड़ाई का प्रोसेस रहता है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ऐसे बॉक्स वाली ये मुड़ाई हो जाती है, फिर ये बन के इस टाइप से बॉक्स रेडी हो जाता है ना सर, ये ऐसा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे पाउडर कोटिंग होती है ना सर, जैसे ये जितने भी प्रोडक्ट है इन सबको पाउडर कोटिंग कर दिया जाएगा यहाँ पे, पाउडर कोटिंग होगा। ये देखिए इस टाइप से किया जाता है पाउडर। ये सर पाउडर देखिए, अब ये पाउडर कोटेड हो चुका है। ओके, इसमें से भट्टी में से निकल चुका है दो। अब इसको आप अगर रेगुलर पानी में भी डिप कर देंगे तो इस पर जंग नहीं आएगा। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल DS Vlogs में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं आपके नए बिजनेस आइडिया शेयर करता रहता हूँ, लेकिन आज का बिजनेस आइडिया काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी फैक्ट्री में लेके आ चुका हूँ जहाँ पे आपको सारे मॉड्यूलर बॉक्सेस, कंसील्ड लाइट, MCB बॉक्स और भी काफ़ी टाइप के इलेक्ट्रिकल आइटम्स में सर डील करते हैं। तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कवर करने वाला हूँ। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहने वाला है। आप चाहे तो अपना ब्रांड बना के भी सेल आउट कर सकते हैं, और इनके ब्रांड का खरीदना चाहें तो वो भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको यहाँ का उनसे न्यूज़ कराने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इनका फैक्ट्री का ओवरव्यू देख लीजिए। ये सारा इनका प्रोसेसिंग रहता है कि इस टाइप से सारे बॉक्सेस वगैरह बनते हैं। इस टाइप के बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं, ये भी यहीं पे बनाए जाते हैं। हम देखिए यहाँ सारी प्रोसेसिंग वगैरह रहती है। आगे आ जाओ तो देखिए इस टाइप से आपको पूरी प्रोसेसिंग आज मैं कवर करने वाला हूँ। A to Z आइटम यहीं पे बनता है। जैसे इस टाइप से आप देख पा रहे हैं ये वैराइटीज भी यहीं पे बनती है। सारे बॉक्सेस की डील होती है यहाँ पे, देखिए सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इधर देखिए यहाँ कटिंग वगैरह होती है सारी चीज़ें, ये कटिंग वगैरह होके इस टाइप से कट हो जाता है। उसके आगे आ जाए तो इस टाइप के बॉक्सेस बन जाते हैं। ये देखिए जो कि घरों में आपने देखा होगा इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह रेडी होते हैं, मॉड्यूलर बॉक्सेस। ये सारे आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए ऑल ओवर प्रोसेसिंग इनकी यहीं पर रहती है, काफ़ी बड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है। यहाँ पे देखिए पाउडर कोटिंग वगैरह होके यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो जाता है। देखिए पाउडर कोटिंग का प्रोसेस यहाँ पे रहता है पूरा, और पाउडर कोटिंग होके सीधा यहाँ आ जाता है, और फिर ये सारा इस मशीन में पाउडर कोट हो जाता है। सारा प्रोसेसिंग कवर हो गया आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाना स्टार्ट। सो गाइस राइट नाउ आपको यहाँ के होने से इंट्रोड्यूस करते हैं। सर एक बार नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को अपना। मेरा अनुज शर्मा नाम है सर। ठीक है, और आपकी फर्म का नाम क्या होने वाला है? हमारे फर्म का नाम AG इंटरनेशनल है। अच्छा, AG इंटरनेशनल जी सर। तो सर मेनली किस चीज़ में डील करते हैं आप यहाँ पे? ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ जी, सब में हम लोग डील करते हैं। अच्छी, सारी चीज़ों में आप डील करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे आइटम सर डील करते हैं जी सर। इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोडक्ट होगा, जो वायरिंग में यूज होगा, हाँ जी, या जो घर बनाते वक्त यूज होगा, तो हम ये सब प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और खुद की आपकी इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, है ना? ये सब सर, ये जितनी चीज़ें रखी हैं ये सब इनहाउस अपना सर है। ठीक है, वो सारा मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कैसे बनता है और आपको क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ती है। कोई बिजनेस करना चाहे तो भैया मिनिमम कितने की ऑर्डर वैल्यू लेनी पड़ेगी? सर 10-20 हज़ार का भी स्टार्ट कर सकता है कोई हमसे लेके, क्योंकि हर जगह पे ये काम कर सकते हैं लोग। अच्छा, क्योंकि घर जो है आजकल इंडिया में हर जगह बन रहे हैं। हाँ जी, और कोई 10-20 हज़ार का माल लेके भी हमसे इलेक्ट्रिकल की शॉप्स पे जाके वो बेच सकता है, आराम से स्टार्ट कर सकता है काम। मतलब 10-20 हज़ार पर लगा के मतलब इन्वेस्ट करके आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई जो पहले से डील कर रहे हैं और अपने ब्रांड का छपवाना चाहे तो वो भी सारी हो जाएंगे ना सर? सर क्वांटिटी अगर इतनी होगी तो उनका ब्रांड में भी हम लोग बनाते भी हैं ऑलरेडी कुछ कंपनियों के लिए। ठीक है, जैसे अब मैं फर्स्टली दिखाता हूँ, जैसे सबसे छोटा कौन सा आपके पास बॉक्सेस वगैरह मिल जाते हैं? सर 3-3 का बॉक्स होता है ये। अच्छा, 3-3 का मॉड्यूल भी बोलते हैं। अच्छा, काफ़ी हैवी में आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद आ जाए तो ये सर 3 मॉड्यूल 4-3 का बोलते हैं इसको। अच्छा, 4-3 का, फिर ये 5-3। ठीक है, ऐसे ये 8-9 साइजेस होते हैं, सब अपने पास मिलेंगे। 8-9 साइजेस, जैसे ये पाउडर कोटिंग हुई है ना इसमें सारी? ये सर पाउडर कोटेड है, ये डी ए ग्रे कलर है। ठीक है, ये सॉरी डी ए ग्रे कलर है, ये हैवल्स ग्रे कलर है। ठीक है, ये ब्लैक कलर है। अगर कोई अपना कलर भी मांगता है कोई कि हमें ये वाला पर्टिकुलर कलर चाहिए तो वो भी बन जाएगा, प्रोवाइड कर देंगे। और काफ़ी हैवी बॉक्सेज आप देख पा रहे हैं, कभी रस्ट नहीं लगने वाला, कभी कोटिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऐसे का ऐसे रहने वाला है ना? ये हम लोगों ने पाउडर कोटिंग का प्लांट लगाया। आजकल क्या है, GI का लोग बाग चल रहा है हर जगह पे। हाँ जी, लेकिन GI सोचता है लोग बाग अच्छा होता है, लेकिन ये उससे ना दोगुना अच्छा होता है। अगर 10 साल चलेगा तो 20 साल चलेगा, क्योंकि इसको क्या है ना, जहाँ पे भी वो टाका लगता है वेल्डिंग होती है जो GI में, वहाँ से रस्ट लगना वो 100% चालू हो जाएगा, क्योंकि वो ना पानी में रखा रहता है। हाँ जी। लेकिन आप इस बॉक्स को आप 24 घंटे 48 घंटे जितना भी रखेंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 200 डिग्री टेम्परेचर पे हमने इसको पका रखा है। ओके, और हम अपने यूनिट भी दिखाएंगे आपको हमारे पास कितना। और ये आपका खुद का ब्रांड भी इसमें लिखा है जी, है ना सर? जी सर। ठीक है, आप अपने ब्रांड का भी छुपा सकते हैं काफी। और बात की जाए स्टार्टिंग रेंज, मतलब ये कितने का हो जाता है स्टार्ट वगैरह? सर ये हमारे पास 17 रुपए से स्टार्ट है बस।
भाई 17 रुपए में आपको देखिए इस टाइप की क्वालिटी में मिलने वाला है। उसके बाद ये सब 12 मॉड्यूल होता है, ये 52 रुपए का हम लोग अभी दे रहे हैं। अच्छा, ये 12 मॉड्यूल बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा लगता है घरों में। 12 कितने रुपए में? ये 52 का सर, 52 रुपीस में गाइस आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। जैसे इस टाइप की होता है ना, इसमें अंदर फिट हो जाता है ना दीवार। जी सर बिल्कुल, ठीक है। ये सर 6 मॉड्यूल है, ठीक है। ये हम आपको 37 में अभी दे देंगे। ये 37 में दे देंगे बिल्कुल। और अभी तो एक हम आपको ये होलसेल प्राइस बता रहे हैं, अगर आप हर चीज की अच्छी क्वांटिटी लेंगे तो और भी प्राइस कम हो सकता है ना सर। जी सर। और ये जो है ना, आपको कम से कम ये 70-80 रुपए में आप इसको दुकान पे आराम से बिकता है सर। ये 70-80 रुपए का? जी सर। जैसे आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स होने वाला है गाइस। तो पाउडर कोटिंग इस पर आपको मिल जाती है अलग अलग टाइप्स की, है ना। जैसे ब्लैक में आपको बड़ा भी मिल जाएगा, जो हमने अभी दिखाया था, है ना सर। जी सर, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो ये सर कंसील्ड बॉक्स है। हाँ जी, ये देखिए बिहार साइड में या इधर इस यूपी में, हाँ जी बंगाल में, ये 2.5 इंची की चलती है सर। तो हम लोग 2.5 इंची की भी बनाते हैं। ये देखिए 3 इंची का भी बनाते हैं। 3 इंची का भी बनाते हैं, मतलब जैसी जिसकी नीड हो वैसे यहाँ से ले सकते हैं। 2.5 इंची में आपको ये मिल जाएगा, ये यूपी 3 इंची में ये मिल जाएगा। इसमें बाद सर जीपी में भी बनाते हैं ये। अच्छा, जीपी में भी कंसील्ड बॉक्स आपको मिल जाएगा इस टाइप से। ये किसने उसका है ये जीपी मीटर वगैरह? ये 19 रुपए का सर हम आपको दे देंगे। 19 रुपए का बिल्कुल, ठीक है। 19 रुपीज का मिल जाएगा। इसमें भी आपको 3 और 2। ये सर कश्मीर के व्यूअर्स होंगे आपके, तो ये कश्मीर में सिल्वर कलर ज्यादा चलता है। हाँ जी, तो कश्मीर वालों के लिए ये हम कश्मीर के, ये हैवी जाता है वहाँ पे थोड़ा, ये 22 रुपए का हम दे देंगे। 22 रुपए का मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ देख पा रहे हैं काफी अच्छी वैरायटी। ये भी सिर्फ कश्मीर में चलती है, 5 इंच कंसील्ड बोलते हैं इसको। ये सिर्फ कश्मीर में चलती है और ये 35 रुपीज की ओनली। अच्छा, 35 रुपीज की है। तो आप देख पा रहे हैं मतलब हर स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी आपको। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के सारा माल मिलने वाला है। आगे आ जाए तो ये कौन सा होने वाला है? ये फैन बॉक्स है सर, जिसपे पंखे टंगते हैं। अच्छा, ये फैन बॉक्स आपको इस टाइप से मिल जाएगा, जिसपे फैन वो क्या कहता है हैंग किया जाता है ना सर। बिल्कुल, ठीक है। ये इसमें पाउडर कोटेड में भी मिल जाएगा। अच्छा, ये पाउडर कोटेड ये हैवी में है थोड़ा, ये काफी देख सर है। जब आप खुद विजिट करेंगे या मंगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसी क्वालिटी है ना सर। बिल्कुल सर। तो आपकी फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं कोई चाहे तो? बिल्कुल सर, हमारी फैक्ट्री कभी भी आ सकता है सर। हमें फोन करिए, हम आपका नंबर दे देंगे अपना, और कभी भी आके फैक्ट्री विजिट करिए। जैसा आपको माल चाहिए हम आपको वैसा माल बना के देंगे, ठीक है। इसके बाद आए तो देखिए कंसील्ड लाइट्स आपको इस टाइप से मिल जाती है ना सर। ये पैनल है सर, 4x4 इंच का, 4 इंच कंसील्ड लाइट है। ये भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, बहुत अच्छे रेट देंगे हम इसको आपके। इसमें राउंड स्क्वायर सारे आपको पैनल चाहे जो भी चाहिए हम आपको, बाकी आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, बाकी और लाइटें भी भेज देंगे, क्योंकि एक वीडियो में ना सारा कवर करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, तो हम आपको आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे तो सारी चीज आपको प्राइसिंग वगैरह भेज दिया जाएगा ना सर। जी सर, ठीक है। ये एमसीबी बॉक्स बनाते हैं हम सर। ये एमसीबी बॉक्स एक बार खोल के दिखाना। ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी का आपको देखिए एमसीबी बॉक्स मिल जाएगा, काफी हैवी में है। और ये किस प्राइस रेंज में आ जाता है? ये सर हमारे पास 240 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, 240 से स्टार्टिंग हो जाती है। 240 से स्टार्टिंग है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, काफी अच्छी क्वालिटी का है, आपको देख पा रहे हैं एमसीबी बॉक्स। अगर किसी को सस्ता भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये वाले हमारे प्रीमियम क्वालिटी है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिकती है, बेंगलोर बहुत माल जाता है हमारा। ओके, मतलब आप देख पा रहे हैं आराम से, जैसे बिल्डर्स वगैरह भी अगर लेना चाहे तो वो भी डील कर सकते हैं ना आपके पास से। काफी अच्छे देखिए रहने वाला है। उसके बाद आ जाए तो सर ये पूरा लोहे में, इसमें सर ये हैवल्स टाइप बोलते हैं इसको, डंडी लगी होती है, ठीक है। ये पूरा लोहे में, ये पूरा लोहे में आपको मिल जाएगा प्रॉपर, आपको टाइप बोलते हैं सर इसको, ठीक है। काफी अच्छी क्वालिटी में रहने वाला है। ये व्हाइट लाइन में हमारे पास दो 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 तरह की क्वालिटी है। ये देखिए, तो ये प्लास्टिक में होगी, और किसी को हैवी में चाहिए तो ये वाली होगी। अच्छा, किसी को हैवी में चाहिए तो आपको ये क्वालिटी में मिल जाएगी। ये 180 रुपए से स्टार्ट है सर हमारे पास। ये 180 से स्टार्ट हो जाता है। 180 से स्टार्ट, ठीक है। देखिए काफी अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं सर एमसीबी बॉक्सेस। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत प्रीमियम क्वालिटी चाहिए होती है, तो ये प्रीमियम क्वालिटी का एमसीबी बॉक्स है। ये देखिए सर, ये बहुत हैवी क्वालिटी का है। ये 350 रुपए से स्टार्ट होगा सर। मतलब जैसी क्वालिटी वैसे आपको प्राइस मिल जाएंगे। देखिए इसके अंदर का इस टाइप का रहने वाला इंटीरियर, डस्ट गार्ड लगा होता है, डस्ट ना जाए, और ये बिल्कुल अलग से पैकिंग होगी, इसकी पैकिंग भी अलग से होगी। अच्छा, इसकी पैकिंग भी, वो अभी पैकिंग भी दिखाने वाले किस टाइप से होती है ना सर, वो भी दिखा देंगे। जैसे इस टाइप के बॉक्स इसमें ये पैकिंग होगी, ये ऊपर का हिस्सा अलग से पैक होगा। अच्छा, बाकी नीचे होगा, बाकी नीचे अलग से। तो बॉक्स भी अपने नाम के छप जाएंगे ना अगर कोई चाहे, अगर कोई चाहे तो। लेकिन क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए उसके लिए। अगर आपको अपने ब्रांड का छपवाना है तो उसके लिए कैसे क्वांटिटी होनी चाहिए, वरना आप चाहे तो मिक्स करा के भी वैरायटीज ले सकते हैं। अगर 10-20 हज़ार रुपये का माल लेते हैं ना सर, बिल्कुल। तो चलिए अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कवर करते हैं, आपको सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाते हैं कैसे ये सारा माल बनता है ना सर। जी सर। तो सर फर्स्टली कौन सी वैरायटी दिखाने वाले हैं आज सबसे पहले आप? सर देखिए अभी हमारे यहाँ पे ना कंसील्ड बॉक्स रेडी हो रहे हैं। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं सारे कंसील्ड बॉक्स रेडी हो रहे हैं। क्या प्रोसेस रहता है इस मशीन से सर? ये सर जो उसमें पेंच कसे जाते हैं ना कंसील्ड बॉक्स में, ये उसके नक्के फड़ाई हो रही है। अच्छा, ये देखिए पूरा प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है। उसके बाद जो होता है उसमें वो ढक्कन कट रहे हैं, उसके जो उसके ऊपर ढक्कन कटेंगे। अच्छा, ये रेडी हो चुका है, बस इसके ऊपर ढक्कन कस के फिर पाउडर कोटिंग होगी। ये देखिए रेडी हो चुका है। मतलब 3 प्रोसेस रहते हैं इसके पूरे ना, 3 प्रोसेस।
पहले प्रोसेस आपका यहाँ पे रहता है और सेकंड आ जाए तो यहाँ पे ढक्कन कटते हैं ना। हाँ, उससे पहले ये पंचिंग वगैरह इसकी होती है वो उन मशीनों पर ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, वो भी दिखाएंगे जिस साइड से बॉक्स बनता है प्रॉपर, देखिए इनकी खुद की मैनुफैक्चरिंग का होने वाला है ये। पहले जितना भी सारा स्टॉक रेडी है यहाँ पे करके रेडी हो, ये रेडी है वो अभी दिखाते हैं आप। अच्छा, उसके ये फर्स्ट प्रोसेस ये रहता है, आप देख पा रहे हैं कितना स्टॉक रहने वाला है। आगे आ जाए तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूलर बॉक्स बन रहा है, इस पर पंचिंग हो रही है इस पर। अच्छा, ये 7 प्रोसेस में होता है पहले ये। अच्छा, पहले अच्छा इसमें इस टाइप से देखिए होल किए जाते हैं, उसके बाद ये देखिए माइक्रोजेट कंपनी है, ये धनबाद की कंपनी है। अच्छा, उसका बना रही है, उसका ये अभी बन रहा है फिलहाल। अच्छा, तो ये इस नाम से डाई लग जाती होगी, फिर ये छप जाता है ना सर? जी जी, ठीक है। ये प्रोसेस के बाद आ जाते हैं, ये मुड़ाई होती है यहाँ पे। अच्छा, मुड़ाई होती है, मुड़ाई होके कैसा दिखता है एक बार दिखाइए। मुड़ाई, ये देखिए यहाँ मुड़ाई का काम चल रहा है पूरा प्रोसेस, कैसे मुड़ाई होती है ये पहले इस टाइप की मुड़ाई होती है, फिर ये ऐसे मुड़ जाता है सर। तो फिर ये ऐसे मुड़ जाता है, ये देखिए इस टाइप से मुड़ जाता है। तो याली मुड़ाई के बाद ये मुड़ाई का प्रोसेस रहता है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ऐसे बॉक्स वाली ये मुड़ाई हो जाती है, फिर ये बन के इस टाइप से बॉक्स रेडी हो जाता है ना सर? ये ऐसा हो जाता है सर। अब इसकी साइड वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है वो दिखाते हैं आपका, वो एक बार दिखा देते हैं आप एक बार देखिए कितना, मतलब प्रोसेसिंग पूरी रहती है A to Z। आप देख पा रहे हैं इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। आगे आ जाए तो देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये स्पॉट वेल्डिंग हो जाती है सर, इसे चिपक जाता है ये साइड, वेल्डिंग हो जाती है। वेल्ड कर रहे हैं, ये रेडी हो गया है। अब देखिए अब सीधे पाउडर कोटिंग पे चला जाएगा, अच्छे पाउडर कोटिंग पे घुमा के दिखाना। ये देखिए अब ये पाउडर कोटिंग के लिए चला जाएगा है ना सर? पाउडर, तो गाइस यहाँ पे पाउडर कोटिंग होती है ना सर, जैसे ये जितने भी प्रोडक्ट है इन सबको पाउडर कोटिंग कर दिया जाएगा यहाँ पे, पाउडर कोटिंग होगा। ये देखिए इस टाइप से क्या जाता है, पाउडर कोटिंग करके पूरा वो आ जाता है, इसका कलर आ जाता है ना। हाँ, ये इसमें इसमें डाल देंगे यहाँ पे। ये किसे लगा रखे, सूखने के लिए? नहीं, ये इसके बाद ये ओवन में जाएगा ये 200 डिग्री टेम्परेचर पे। अच्छा, तो फिर कलर पूरा इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर वो चिपक जाता है। हमारे पास ऑटोमेटिक प्लांट है पाउडर कोटिंग का, ठीक है। ऐसा प्लांट मॉड्यूलर बॉक्स वालों के पास दिल्ली में किसी का नहीं है। अच्छा, किसी हमारे पास सबसे बड़ा प्लांट है ये, और पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है ये, ठीक है। जितने हम हीट देंगे उसमें उसमें प्रॉपर ये हीटिंग करेगा और प्रॉपर पाउडर कोटिंग होगा ये। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साइड से पूरा ये एक बार में पूरा जाता होगा अंदर इसका, है ना सर? काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहने वाला, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आ जाए तो ये सर पाउडर, अब ये पाउडर कोटेड हो चुका है। ओके, इसमें से भट्टी में से निकल चुका है दो, अब इसको आप अगर रेगुलर पानी में भी डिप कर देंगे तो इस पर जंग नहीं आएगा। अच्छा, जंग नहीं आने, रस्ट नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगेगा इस पर। तो अभी आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, आप चाहे तो अपने ब्रांड का भी बना, हम अपने ब्रांड का भी बनाते हैं AG के नाम से। अच्छा, ये खुद के भी ब्रांड के? हाँ हाँ जी, ये देखिए कंसील्ड, ये सिल्वर हमारी कश्मीर जाती है। अच्छा, ये भी कोटिंग होकर रेडी, ये भी कोटिंग, ये सिल्वर कोटिंग हुई है, ठीक है। इसमें ब्लैक कोटिंग भी होती है, बाकी अगर कोई किसी और कलर की कोटिंग मांगता है वो भी हम उसको दे देंगे। अच्छा, ये कोई से भी कलर की कोटिंग करवाना चाहे वो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, ठीक है। जैसे देख पा रहे पूरा प्रोसेस रहता है, आप जितना बल्क ऑर्डर चाहे उतना दे सकते हैं आप, है ना सर? हमारी यूनिट बहुत बड़ी है, जितना आप माल चाहें आपको रेगुलर माल मिलेगा। ओके, और कोई नया बंदा अगर काम इसको स्टार्ट भी करना चाहे वो भी हम आपको अभी बता देंगे कि कोई नया बंदा अगर काम स्टार्ट करना चाहता है वो कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितना मतलब उनको इन्वेस्टमेंट करना, बिल्कुल है ना सर? बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम उनका काम चालू करवा देंगे, और धीरे धीरे हमने भी पहले छोटे से स्टार्ट करा था। हाँ जी, और फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं हमने कितनी बड़ी यूनिट बना दी है, इतनी बड़ी यूनिट इन्होंने बना दी है, सारी पैकिंग वगैरह होके। तो कंसील्ड बॉक्स भी मिल जाते हैं और भी काफी टाइप की वैरायटीज में डील करते हैं, MCB बॉक्स भी बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर? ये सर शीट कटिंग होती है यहाँ पे, सबसे पहले शीट आती है वो कटिंग करते हैं यहाँ पे, ये शीट कट होकर फिर मशीन पे जाती है, मशीन से फिर पूरा मोल्ड होकर ये रेडी होता है। फर्स्टली प्रोसेस शीट कटिंग का होता है ना? शीट कटिंग होती है, पहला प्रोसेस शीट कटिंग का होता है, सारा शीट कट हो जाता है, उसके बाद मशीनों पे जाके तैयार होता है और पाउडर कोटेड होके फिर रेडी हो जाता है तो पूरा प्रोसेस। तो गाइस आप देख कर पैकिंग इस टाइप से होती है ना सर, ये एक बार दिखाइए हमारे व्यूअर्स को किस टाइप से आपका ये क्या है ना, ये छोटी पैकिंग है। हाँ जी, अगर कहीं जैसे बाहर माल जाता है ना तो हम इसको पहले छोटी पैकिंग में करते हैं। ओके, उसके बाद आपका कार्टून में पैक करते हैं, ये जैसे कंसील्ड है ये। हाँ जी, ये कंसील्ड को पहले इसमें कवर करते हैं, फिर इसके ऊपर से ये टार चढ़ा देते हैं ताकि वो उधर हम तैयार होंगे भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। उस पर फिर बेल्ट लगा देते हैं। ओके, ये छोटी पैकिंग है, सारे मॉड्यूल की 10-10 पीस की पैकिंग है सर। अच्छा, 10-10 पीस की पैकिंग है एक बॉक्स में ना? एक बॉक्स, ठीक है। तो अंदर चल के एक बार और दिखाते हैं किस टाइप से पैकिंग होती है। ये पूरा इनका प्लांट होने वाला, आप देख पा रहे हैं हर चीज की आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाएगी। ये देखिए, तो पैकिंग होके माल यहाँ रखा जाता है सर? इस टाइप की पैकिंग हो जाती है सर, ये स्ट्राइप मशीन है। अच्छा, स्ट्राइप लग जाती है, ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, ऑटोमेटिक आपने देखिए स्ट्राइप मशीन भी लगा रखी है, जिससे काफी अच्छा मतलब आपका सामान टूटने नहीं वाला ना। हाँ, ये पत्तियां जो है ना, क्योंकि हमारा सारा जब माल इधर बंगाल जाता है सर, बिहार जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, झारखंड जाता है,
तो उसके लिए क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट पे बढ़िया से पैकिंग होके जाएगा तो ही वो माल वो जाएगा, नहीं तो माल टूटने के ज्यादा वो हो जाएंगे, चांसेस रहते हैं। जैसे उस बॉक्स में पैकिंग होती है ना, ये दूसरी टाइप की पैकिंग है। जैसे कुछ लोकल में भी 100-200 किलोमीटर में भी जाता है माल, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे गाड़ियों से चला जाता है डायरेक्ट, तो वो लोग क्या कहते हैं ना कि वो उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाती है सर। ओके, तो ये वाला वो कहते हैं कि थोड़ा भैया हमें और कॉस्टिंग में आ जाए, तो हम उनके लिए बड़ी पैकिंग भी करते हैं। देखिए इस टाइप की है, वरना ये पैक हुए रखे हुए हैं सारा माल, मतलब जाने के लिए है ना। ये पैक होगा सर अभी, ये वाले बॉक्सेस भी हैं, मॉडल बॉक्सेस भी हैं, और भी देखिए इधर भी सारा माल रखा हुआ है। तो आप जितना ऑर्डर प्लेस करना चाहें उतना कर सकते हैं ना सर। जी सर। तो सर हमने आज की वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया, हमने सारी वैरायटीज भी कवर कर दी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखा दी, पैकिंग भी दिखा दी। अब एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अपने बताइए 10 से 20 हज़ार रहने वाली है, और आपके पास कोई आना चाहे तो आपका एड्रेस लोकेशन कहाँ पड़ेगी? सर हमारा ट्रोनिका सिटी के पास है। ओके, कोई भी आना चाहे तो शिव विहार मेट्रो स्टेशन है। हाँ जी, आप हमें कॉल करिएगा, हम आपको वहाँ से पिक कर लेंगे, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, पिक ड्रॉप की आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी, मतलब शिव विहार से आपको पिक कर लिया जाएगा, मेट्रो स्टेशन पर आके कॉल कर सकते हैं ना। जी सर, वरना लोकेशन भी मांग सकते हैं अगर कोई अपने व्हीकल से आ रहा है। कोई व्हीकल से आए तो हमसे लोकेशन लेके हम उनको लोकेशन दे देंगे, वो आ सकता है। ठीक है, और पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो सर पेमेंट ऑप्शन ऐसा ही रहेगा कि हम आपका माल या तो एडवांस पेमेंट पे ही करते हैं ज्यादातर हम। हाँ जी, प्रीपेड। लेकिन किसी को अगर डर लगता है, कोई हमारी फैक्ट्री विजिट नहीं करा है, तो हम उसके लिए करेंगे कि आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना होगा हमको। ठीक है, और हम आपको ट्रांसपोर्ट पे आपके माल छोड़ देंगे, उसके बाद आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट पे माल छोड़ने के बाद आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ना, ऐसा कोई करता नहीं है, बस आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो देख पा रहे हैं ट्रस्ट आपका काफी अच्छा बिल्डअप हो जाएगा अगर आप ऐसे काम करेंगे ना। और आप एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली कोई हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया में भी काम कर ही रहे हैं। हाँ जी, पेमेंट्स आती हैं, बट कुछ दिल्ली में क्या होता है ना, कुछ लोगों की पेमेंटें मरी है, उन्होंने डाल दिया, उनका माल गया नहीं, वो डरते हैं मतलब पेमेंट डालने। हाँ, तो हम सिर्फ आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेंगे एक मिनिमम। तो उसमें क्या होता है ना सर, कई बार क्या होता है माल मंगा लिया लोगों ने, हम ट्रांसपोर्ट पे माल चला गया, फिर वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो भी इसके लिए। और बाकी पेमेंट्स आप कैसे भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, फोन पे, जैसे आप कहेंगे वैसे कर सकते हैं, वैसे सुटेबल हो जाएगा, है ना। जी सर। तो देख पा रहे काफी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है, आपको एड्रेस लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन लेना चाहें तो वो भी आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होने वाली है ना सर। जी सर। और भी आप चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कवर करूँ टाइम टू टाइम, तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्राइसिंग, वैरायटी, क्वालिटी कैसी लगी अगर आपने यहाँ से परचेज कराए। तो हम टाइम टू टाइम वीडियोज़ लाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।